इंजन होता है, बहुत ही बेहतरीन इंजन होता है इसका, एडजस्टेबल एक्सल भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, स्पिंडल है, सेंटर इंजन मिलता है भाई शटर में, आप इसमें चार सेंटर इंजन ले सकते हैं। और भाई इसमें पिलर्स का भी है भाई, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। एंड भाई शटर में आपको एडवांस हेड ऑयल मिलती है भाई, आपको सेंटर मिल जाते हैं और साइड में मिल जाते हैं, बढ़िया मीटर दिए हैं शटर में, स्टेयरिंग में काफ़ी बढ़िया स्टेयरिंग दिया गया है। और इसमें ट्रांसपोर्ट लॉक भी आता है, बढ़िया होता है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है इसमें, यहाँ पर रोड दी गई है जिससे मडगार्डों में वाइब्रेशन बिल्कुल ना हो, भी ले सकते हैं। लिफ्ट की ऊंचाई वो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें अलग अलग पंप यूज़ किए हैं कंपनी ने, इसका पावर स्टीयरिंग का। नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ACE DI 550 NG ट्रैक्टर। तो भाइयों इस ट्रैक्टर में कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाइयों ये ट्रैक्टर नया मॉडल आया है ACE का, NG ACE। भाई इस ट्रैक्टर के बारे में आज हम जानते हैं, जो लोग वहाँ चल रहे चलो सब्सक्राइब करें, फिर शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों इसका ट्रैक्टर के जो बोनट देख रहे हैं आप लोग, ट्रैक्टर में सिंगल पीस बोनट मिलता है भाई ACE ट्रैक्टर में, लगभग ACE के लगभग सभी ट्रैक्टर में सिंगल पीस बोनट आता है। और भाई यहाँ पर लिख के दिया कंपनी ने NG, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंजन होता है, बहुत ही बेहतरीन इंजन होता है इसका। भाई यहाँ पे 3D में लिखा हुआ है ACE, भाई आपकी जाने पहचानी कंपनी ACE। भाई दोस्तों यहाँ पे कंपनी फिटेड, यहाँ पे 70 kg का भाई सेक्टर बम्पर मिलता है बेड के साथ, भाई उसमें टो हिच भी मिलता है साथ में। और भाई दोस्तों इसमें इसका जो एक्सल देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सल मिला भाई इस सेक्टर में, एडजस्टेबल एक्सल भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, काफ़ी मजबूती एक्सल दिया भाई उसके, आप इसके दिख रहे हैं इसके स्पिंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए, बेहतरीन इसके स्पिंडल हैं देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे स्पिंडल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी दिए गए, बैरिंग मोटी यहाँ पे दी है भाई उसकी, जिसने आपको इसमें 7-16 के टायर आते हैं भाई। और भाई ACE ट्रैक्टर में MRF टायर मिलते हैं ओनली। और भाई यहाँ पे लिख के दिया कंपनी ने ACE, भाई इसका कलर देख रहे हैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है भाई इस ट्रैक्टर का। भाई इस ट्रैक्टर में इंजन आपको 3 सेंटर इंजन मिलता है भाई इस ट्रैक्टर में, आप इसमें 4 सेंटर इंजन ले सकते हैं। और भाई इसमें किलोस का भी इंजन आता है, किलोस का ट्रैक्टर का इंजन इसमें इंजन आता है किलोस कंपनी का। भाई इसमें पावर स्टीयरिंग दिया गया है, वो सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो एक तरफ पर रॉड होती है। भाई इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है अन पावर स्टीयरिंग से। और भाई देख सकते हैं इसके जो वाटर सेपरेटर, इसको पंप को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया है हाइलेस कंपनी का। भाई यहाँ पे 2 फिल्टर दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, ये बहुत ही साफ शुद्ध डीजल भेजते हैं पंप के लिए, इससे पंप की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और ट्रैक्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी बिल्कुल। और भाई दसते हैं ट्रैक्टर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है धरती से ऊपर दसते हैं काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है ट्रैक्टर आगे से। और भाई यहाँ पर दे सकते हैं इसका जो बील इसका बील है यहाँ पर, और इसकी क्लच प्लेट यहाँ पर होती है। भाई इसमें दसते हैं कंपनी यहाँ पर लिख के दिया है एडवांस हाइड्रोलिक्स, भाई इस ट्रैक्टर में आपको एडवांस हाइड्रोलिक मिलती है भाई, इसकी हाइड्रोलिक होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है ACE ट्रैक्टर की। भाई इस सेक्टर में लगभग 50 लीटर भाई इस में फ्यूल टैंक मिलता है ACE, यहाँ पे लिख कर दिया है DI 550। भाई इसके जो पैरदान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैरदान दिए गए हैं जो कि देखने में और चढ़ने में बैठने में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होते हैं। भाई इस सेक्टर में जो गियर है आपको सेंटर मिल जाते हैं और साइड में मिल जाते हैं, देख सकते हैं इधर जैसे आप इसका हाइलो गियर है, देख सकते हैं यहाँ से इसकी हाइलो गियर दिया है, इधर से मेन गियर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं तो तीन चार रिवर्स। और भाइयों ऊपर चढ़ के बताते हैं, और भाई दसते इसके मीटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मीटर दिए हैं इस क्षेत्र में, देख सकते हैं आप लोग इसका डीजल मीटर, ऑयल प्रेशर मीटर, टेम्परेचर मीटर, बैटरी मीटर, RPM मीटर। भाई इस क्षेत्र में 2500 RPM मिलते हैं भाई इस क्षेत्र के इंजन के जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। भाई ट्रैक्टर रोड की स्पीड भागने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और भाई इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टीयरिंग दिया गया ट्रैक्टर में, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। भाई दोस्तों यहाँ पे मोबाइल चार्जर का भी ऑप्शन मिलता है कंपनी में, इसके जो पार्किंग लाइट है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मीटर में। भाई इसके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी हॉर्न मिलता है और यहाँ पे भी हॉर्न मिलता है, इसमें दोनों तरफ हॉर्न मिलते हैं भाई। भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन को बंद करने के लिए, इंजन को स्टार्ट करने के लिए। भाई देख सकते हैं इसके जो पैडल हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं ट्रैक्टर में, साइड में गियर मिलते हैं भाई देख सकते हैं आप लोग। भाई यहाँ पे देखते हैं उसके जो हाइड्रोलिक के लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे डबल लीवर दिया है ड्राफ्ट और पोजीशन,
ये पोजीशन वाला ये ड्राफ्ट है भाई, इसमें आपके लिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर लीवर भी दिया गया है। अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे इसके ड्यूटी लीवर दिया गया है भाई, इस सेक्टर में डबल भी मिलता है। जैसे यहाँ पे सी आर पी टी 540 पी टी मिलती है भाई इस सेक्टर में। और भाई यहाँ पे कंपनी द्वारा और जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई यहाँ पर कंपनी का टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी हर समय कंपनी को कॉल कर सकते हैं। भाई जैसे यहाँ पे टूल बॉक्स है वो फाइबर का ही दिया गया है जो काफ़ी तो बढ़िया होता है, इसमें जंग लगने का कोई चांस नहीं रहता है। भाई जैसे ट्रैक्टर का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, नीला कलर है ट्रैक्टर का, ब्लू कलर। और भाई जैसे यहाँ पे इसके फैंड भी दिया साथ में, कंपनी फिटर ले जाते हैं भाइयों। भाई ट्रैक्टर की सीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीट दी गई है भाइयों, और इसमें ट्रांसपोर्ट लॉक भी आता है हेडलाइट को लॉक करने के लिए। इसकी सीट है वो एडजस्टेबल है, आगे पीछे कर सकते हैं आप इजीली। और भाइयों इसके इंडिकेटर भाई यहाँ पे दिए गए, सारा इंडिकेटर आते हैं हेलोजन टाइप, जैसे यहाँ पे BS3 ये रिवर्स पीटी मिलती भाई सेक्टर में भी। भाई सेक्टर में जो टायर है पीछे वाले वो MRF 14928 के टायर मिलते हैं भाई सेक्टर में। भाई इसके हैवी एक्सल और हैवी रिम मिलते हैं भाई उसी में। और यहाँ पे लिख के दिया है ACE कंपनी ने यहाँ पे। भाई पिछली दिवस काफ़ी तो बढ़िया होता है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है इसमें। और भाई इसमें तेल वाले ब्रेक मिलते हैं भाई सेक्टर में। और जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी दिए गए हैं भाई, इसकी हाइड्रोलिक एडवांस हाइड्रोलिक दी गई है जो लगभग 2000 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, हाइड्रोलिक में उठाने की क्षमता मतलब 20 क्विंटल की लिफ्ट उठाने की क्षमता है। और यहाँ पे कंपनी फिटेड यहाँ पे इसका हिज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हिज है, काफ़ी बड़ा भी मिलता है, किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है ये। और इसकी इस्तेवार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है और हैवी एक्सल के साथ ट्रैक्टर आता है ये। और मडगार्ड भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं भाई, और इसकी मडगार्ड में वाइब्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर रॉड दी गई है जिससे मडगार्डों में वाइब्रेशन बिल्कुल ना हो। भाई इस साइड से हम आपको दिखाएंगे भाई, इसमें पावर स्टीम ट्रैक्टर मिलता है इसकी, यहाँ पर बैकलाइट दी गई है यहाँ पर। और भाई इसी ट्रैक्टर में MRF के टायर मिलते हैं ओनली। वही जिसके अंदर इसका साइड लीवर है यहाँ पे, देखते हैं साइड गियर, वही इसमें आप सेंटर के भी ले सकते हैं भाई। यहाँ पे देखते हैं इधर इसकी पैर वाई रेस मिल जाती है यहाँ पे, इधर इसके यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलता है जो बिल्कुल सादा होता है बिल्कुल। और नीचे से देख सकते हैं आप लोग ट्रैक्टर की ऊँचाई काफ़ी ज़्यादा है ट्रैक्टरों से भाई। इसमें टूल बैटरी बॉक्स यहाँ पे साइड से मिलता है, और भाई आप बैटरी इसमें आगे भी लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है। और भाई यहाँ पे साइड मिरर मिलता है, और इसको साइलेंसर वो साइड से ही मिलता है। ट्रैक्टर में सिंगल पिस्टन मिलता है, ड्राई टाक क्लीनर के साथ ट्रैक्टर आता है ये। और भाई इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए और हाइड्रोलिक के लिए इसमें अलग अलग पंप यूज़ किए हैं कंपनी ने, इसको पावर स्टीयरिंग का ऑयल भी अलग कंपनी ने दिया है। ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, बिल्कुल मेंटेनेंस जो होता है किसानों का कोई मेंटेनेंस नहीं रहता भाई उसमें भाइयों। और इसकी कीमत है वो अन ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा कम है भाई सेक्टर की कीमत, आपके लिए अदर कंपनी ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा कम कीमत मिलेगी भाई। इस सेक्टर में छूट भी आ रही है आजकल, एसी ट्रैक्टर से भी ट्रैक्टर में छूट आ गया भाई। सबसे खास बदलाव कंपनी इसमें किया है, 5 साल की पूरी वारंटी कर दी है भाइयों। अब भाई इसमें इसे इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है प्लस, और इसमें इसमें वारंटी और गारंटी दोनों मिलती है भाई सेक्टर में, जो किसी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिलती है। इसमें इस ट्रैक्टर में हर एक चीज़ की इसमें वारंटी गारंटी मिलती है। ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे, तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।